Hello and welcome to Indian Story. There is nothing more beautiful and exciting than story. Everybody has a story. In fact, the story is a light. Now let's watch what this story has to say. मेरा नाम एस रवि है, फुल फॉर्म में सेतु रत्नम रवि बोलते हैं मुझे। वैसे तो ट्रिची का मध्य प्रदेश से पढ़ा हूँ, लेकिन ट्रिची का ओरिजिनली तमिल, हमारी मदर लैंग्वेज तमिल है। और मैं जबलपुर में मेरी पढ़ाई करी है मैंने, फिर मैंने वहाँ पे बीकॉम किया है, बीएससी किया है, एमकॉम किया है और फिर उसके बाद सीए किया है। तो मेरी जर्नी जबलपुर मध्य प्रदेश सेंट्रल आयुष स्कूल से स्टार्ट किया मैंने, फिर वहाँ पर गवर्नमेंट साइंस कॉलेज में पढ़ाई की मैंने, फिर उसके बाद सीए को परसू किया। मेरे लिए तो मुश्किल था, मेरे लिए इसलिए मुश्किल था क्योंकि मैं एक बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट तो नहीं था, लेकिन मैं एवरेज स्टूडेंट था। और मेरे को इसलिए तकलीफ़ हुई क्योंकि मेरा कोई भी बिल्कुल ना मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड था, और उस समय सीए में मैथ्स का भी एक पेपर होता था, तो मुझे मैथमेटिक्स का बिल्कुल नॉलेज नहीं था और कॉमर्स का भी नॉलेज नहीं था। तो मेरे को हर चीज़ जो है शुरू से बिल्कुल 8th क्लास लेवल से मेरे को वापस सीखनी पड़ी और तब मैं सीए कर पाया। पर लेकिन जो है मेरे को साइंस बैकग्राउंड का एक फ़ायदा ये हुआ कि मुझे एनालिटिकल स्किल्स जो हैं मेरे वो काफ़ी अच्छे हो गए, और ये फ़ायदा हुआ मेरे। लेकिन जर्नी कठिन थी। देखिए, मेरे फादर जो हैं वो मध्य प्रदेश कैडर के ऑफिसर हैं, और उन्होंने चेयरमैन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन भी थे, और फिर उन्होंने पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन करके कंपनी है उसका जो अस्तित्व जब चालू हो रहा था तो उसमें भी उन्होंने रोल प्ले किया सेंटर में। और उन्होंने वो बहुत मेहनती तरह के पर्सन थे, रोज़ 8:30-9 बजे के पहले ऑफिस से घर नहीं आते, और ऊपर से उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें जैसे नो स्मोकिंग और ऐसी बहुत सारी चीज़ों मुझे इनकलकेट किया जो कि मैंने बिल्कुल फॉलो किया। तो कुछ चीज़ें उन्होंने मुझे डिसिप्लिन, अपने लाइफ की डिसिप्लिन, फॉर एग्जांपल घर पे आते थे तो अपने कपड़े पहले जहाँ धोने के लिए डालना है वो डालना, और जो कपड़े को टांगना है वैसे तो बिल्कुल बहुत ही सरल तरीके से अपना काम करना उन्होंने हमको सिखाया, और वो अभी भी फॉलो करते हैं। और मेरे फादर ने रिटायरमेंट के बाद बहुत लोग एक तरह से अपनी ज़िंदगी को संभाल नहीं पाते, उन्होंने 77 आर्बिट्रेशंस किए, डॉक्टरेट किया रिटायरमेंट के बाद। तो उन्होंने इतना इंस्पायरिंग मेहनती पर्सन, और अभी भी मेरे फादर 95 ईयर्स के हैं और अभी भी इस एज में बीमार होने के बावजूद उन्होंने एक आर्बिट्रेशन अवार्ड अभी भी दे रहे हैं, तो और बड़े मुश्किल से दे पा रहे हैं, पर लेकिन हिम्मत करके ICU कंडीशन में भी घर आके वापस आके उन्होंने किया। तो ये इंस्पायरिंग है, बहुत ही इंस्पायरिंग है मेरे फादर। उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ को रोका नहीं, मुझे बस अपना ये बताया कि भाई आप काम करो, अपने आप रिजल्ट आएगा, और वो भी खुद बहुत मेहनती आदमी। और उन्होंने मुझे जो रास्ता दिखाया बहुत सही रास्ता दिखाया। मेरी मदर हाउसवाइफ हैं, उन्होंने मेरे फादर को पूरी तरह सपोर्ट किया, शकुंतला, तो हर तरह से उन्होंने सपोर्ट किया। और शी वॉज अ गुड कुक, घर पे अच्छा घर संभालती थी, मेरे फादर बहुत ज़्यादा टूर करते थे तो घर संभालती थी वो अपने आप। तो और हम लोग भी बाहर जबलपुर से बाहर आ गए थे तो वो भी हम लोग को सबको सबके साथ कनेक्टिविटी करके हम लोग को इंस्पायर करती थी। और मेरे फादर तो एक इंस्पिरेशन, और उनका तो इंस्पिरेशन ये था कि हमेशा काम करना, मेहनत करना, और बिल्कुल हर चीज़ टाइम पे आना, टाइम पे जाना, ये सब चीज़ें बहुत उनके लिए इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, मैंने 1989 में इस फर्म को बनाया, मेरा फर्स्ट जनरेशन फर्म है, और इसमें मुझे जब मैंने करा तो मैं पहले कुछ नौकरी करता था, फिर मुझे सडनली कुछ मौका मिला ऐसा एक दो फैमिली सेटलमेंट्स का, जिनका मैं आज तक आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे उस एज में मुझको भरोसा किया, और मैं उनके साथ सक्सेसफुल रहा फैमिली सेटलमेंट करने में उनके।
और उसके कारण मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया, प्रैक्टिकल आइडिया लगने लगा और मैं अपना फर्म इस्टेब्लिश किया और मेरे दो तीन लोगों से मैंने शुरू किया। और मैंने ये भी सोच के रखा था कि अगर मैं सक्सेसफुल नहीं होऊंगा, 3-4 साल तो दूंगा अपने आप को, और नहीं सक्सेसफुल होऊंगा तो मैं फिर देखूंगा फिर से एक और नौकरी तो मुझे मिल ही जाती क्योंकि मैं हार्ड वर्किंग पर्सन था। पर ये जो सीए जो प्रैक्टिस है उसमें बहुत सब्रता की ज़रूरत है, उसमें पेशेंस, उसमें डेडिकेशन और ऑनगोइंग लर्निंग जो है, जो हमेशा लर्न करने वाली क्षमता होनी चाहिए। तो ये शुरू में 2-3 साल बहुत कठिन थे, लेकिन परिवार की तरफ से कोई दबाव नहीं था। परिवार मीन्स बहुत ही ओपन था और परिवार की तरफ से ये नहीं था कि ये करो वो करो, तो मुझे बड़ी आज़ादी मिली उस तरह से। और मैं 19 साल से ही मैं जबलपुर छोड़ चुका था और मैं बाहर आ गया था, तो अपने आप सभी कुछ किया। पेरेंट्स का फुल सपोर्ट था मेरे को और मैंने अपना काम किया। देखिए, मैंने जब शुरू किया तो मेरे को पहले 1993 मेरे को यूको बैंक के बोर्ड में दिया गया है, क्योंकि मैं यूको बैंक के बोर्ड में आया और मैंने वहाँ पे बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यूको बैंक एक बहुत ही डिफ़िकल्ट दौर से गुज़र रहा था। तो हमारे जितने हम सभी बोर्ड मेंबर्स ने मिलके उस बैंक को एक तरह से बाहर लाए, तो इसलिए हमारे को काफ़ी उससे सक्सेस मिला, उससे नाम मिला और उसके से हमारी जर्नी बैंक के बोर्ड में हुई। फिर मेरे को अपने आप अपॉर्चुनिटीज़ आती गई, बहुत लोगों ने मेरे क्षमता को देखा या मेरी लॉयल्टी को देखा, जो भी देखा, और मेरी मेहनत को देखा, और मेरे को बहुत मौके मिले बोर्ड्स में आने के लिए। और उसमें मैंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का भी चेयरमैन रहा और फिर यूटीआई ट्रस्टी का भी चेयरमैन रहा और बहुत सारी जगह मुझे बैंक यूनियन बैंक में भी रहा, BHEL के बोर्ड में भी रहा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के बोर्ड में भी रहा। तो मेरे को ये सब मौके मिलते गए और बस ये तो तकदीर, मैंने अपने आप को सरेंडर किया अपने फेट के साथ और मैं अभी भी वही चीज़ पे विश्वास करता हूँ, अपने फेट पे सरेंडर करता हूँ, मेहनत करता हूँ और फेट पे सरेंडर करता हूँ और उसी से मेरे को जो लगता है उपलब्धियाँ जो भी मिली हैं वो मिलेंगी। तो मेरी शादी 1989 में हुई है, हम लोग मेरे सब 34 ईयर्स हो जाएगा 23 जून को। शी इज़ अ पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स और वो अपना काम करती थी, बच्चों को संभालती हैं और ख़ुद अपना इक्विटी, उनके इक्विटी एनालिस्ट हैं, वो अपना काम खुद करती हैं, इक्विटी एनालिस्ट करती हैं। ये समझ लीजिए कि जितने भी मेरा जो भी सैलरी यहाँ से जो भी मिलता है उसको म्यूचुअल फंड्स में करेक्टली डालना और करेक्ट एडवाइस करना, और बहुत लोग उनसे एडवाइस लेते हैं पर खुद ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं करती हैं, लेकिन बहुत लोग उनसे एडवाइस लेते हैं। और उन्होंने जिस तरह से बैलेंस में हमारे बच्चों को संस्कारी बच्चे बनाए, जिसमें दोनों DPS में पढ़ते रहे, उनको स्कूल छोड़ना, स्कूल से आना, फिर अपना काम करना, और मैं भी काफ़ी घूमता रहा, ट्रैवल करता रहा और मेरे को पूरा सपोर्ट मिला एक तरह से, पूरा जैसे जो सपोर्ट मिल सकता था वो सब सपोर्ट मिला। जैसे हम कुछ भी काम करने जाते थे, कुछ भी अचीवमेंट करते थे तो उस अचीवमेंट के पीछे एक हौसला देना, और उसमें कभी भी हमारे घर में एक कूल एनवायरनमेंट रहा है, कभी ये तनाव वाला एनवायरनमेंट हमारे घर पे नहीं रहा है, मीन्स तनाव नहीं रहा, फ्री बिल्कुल ऐसा एनवायरनमेंट हम लोग ने रखा है जहाँ तक कोशिश करी जिसमें तनाव ना हो और जिसमें कभी कोई ज़्यादा बोले नहीं, अपना सब कुछ अच्छे से शांति से। वो भी एक बहुत बड़ा होता है कि आपस में अच्छा तालमेल हो, एक दूसरे को समझें, फाइनेंसेस को समझें, और जब पैसा नहीं होता है शुरू में तो उसको खर्चों को अपने हिसाब से करें, वो एक हाउसवाइफ का बहुत और एक पत्नी का या स्पाउस का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और उसी तरह से हमारे पेरेंट्स का ख्याल रखना, उनके अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना, तो ये तो एक बहुत बड़ी बड़ी चीज़ होती है कि बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने हैंडल किया है। और हमारे जो घर में जो भी है, जिस भी तरह का घर भी जब बना तो पूरा मेरा तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा, तो उन्होंने ही सब काम किया। मेरे दो बेटे हैं,
एक का नाम है अभिषेक। अभिषेक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इसी फर्म में काम करते हैं। वो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के स्पेस में अपना नाम है उनका। और अक्षय है, वो मेरा बेटा, यूके में रहता है और वो भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। दोनों ने ब्रूनेल करके एक जगह है, वहाँ से बड़े वाले बेटे ने ग्रेजुएशन किया और छोटे वाले बेटे ने लैंकास्टर करके वहाँ यूके में वहाँ से किया। मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि कीप वर्किंग। प्रॉब्लम्स अपने आप, और अपने आप को सरेंडर करिए यूनिवर्स के सामने। काम करते रहिए और यूनिवर्स के सामने सरेंडर करिए। यूनिवर्स जो है टेक केयर करता है। हम सही प्रक्रिया से काम करें और मेहनत करें तो यूनिवर्स हमारे को सपोर्ट करता है। हम यही मैसेज देना चाहेंगे और वही मैसेज, दोनों मेहनत करते हैं, दोनों सिंपल हैं और दोनों कभी भी एक्स्ट्रावेगेंट और हमको कभी डिमांडिंग नहीं रहे कि घड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, फ़ोन चाहिए। मुझे कभी किसी ने कोई डिमांड नहीं किया। और यही चीज़ें अपनी हैसियत के हिसाब से रहना चाहिए। अपने ज़्यादा जो कर सकते हैं वही करना चाहिए और हमको फालतू में ड्रीम्स, रॉन्ग ड्रीम्स नहीं करने चाहिए। वो रॉन्ग ड्रीम्स करना अपनी हैसियत के बाहर, ड्रीमिंग इज़ गुड बट फॉल्स ड्रीमिंग इज़ ऑल्सो नॉट एडवाइजेबल। आप वही चीज़ करिए जो आपको सूट करता है। देखिए, अगर मेरे उसमें देखें तो प्रोफेशनल कैरियर में, अगर हम प्रोफेशनल उसमें देखें, एक मिस्टर मालेगम साहब हैं जो कि रिज़र्व बैंक में 30-40 साल से रहे हैं, अच्छे फर्म के और काफ़ी नामी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनसे मैं काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ। दूसरा, मैं नारायण मूर्ति जी से बड़ा इंस्पायर्ड हूँ, मेरा काफ़ी इंस्पिरेशन है। और अगर आध्यात्मिक तरह से देखें तो स्वामी विवेकानंद जी से मैं बहुत, उनके बुक्स मेरे पास अभी मैं पढ़ता रहता हूँ, हर एक करीब बुक मैंने पढ़ा हुआ है। और मेरे गुरु भी हैं जयेंद्रपुरी स्वामी जो कि बैंगलोर में हैं, ट्रिची स्वामी बोलते हैं उनको, उनसे भी इंस्पायर्ड हूँ। वो काफ़ी ब्रॉड माइंडेड वो हैं और उनका मैं काफ़ी प्रवचन सुनता हूँ और काफ़ी उनका, उनसे इंस्पिरेशन लेता हूँ। मैं स्पिरिचुअल हूँ और स्पिरिचुअलिटी डज नॉट मीन जस्ट गोइंग टू द टेम्पल्स। स्पिरिचुअलिटी इज डूइंग कुछ, आप सोसाइटी को वापस करिए। और सोसाइटी के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप अपने साथ के लोगों के साथ, आपसे जो नीचे जो बेचारे, जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, उनके लिए क्या करते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्पिरिचुअलिटी केवल हिमालय में जाके बैठ जाना से स्पिरिचुअलिटी नहीं होता है। स्पिरिचुअलिटी इज़ रियलिटी। आप कैसे आप सोसाइटी को आप कुछ दे सकते हो, आप क्या क्या कर सकते हो सोसाइटी के लिए, आप सबसे किस तरह से बात करते हो, आपके व्यवहार से किस किस को आप प्रोत्साहन कर सकते हो, ये सब स्पिरिचुअलिटी है। और स्पिरिचुअलिटी इज़ नॉट ओनली प्रेयर्स, इट इज़ मच मोर देन प्रेयर्स। इट इज़ अबाउट कंडक्ट, इट इज़ अबाउट रीचिंग टू पीपल, इट इज़ अबाउट हेल्पिंग पीपल और हेल्पिंग द सोसाइटी। एंड बिकॉज हम लोग का सबका जो है लिमिटेड स्पैन है और उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं वो बहुत लिमिटेड है, लेकिन हम जो सोसाइटी को दे सकते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरी वाइफ का एक फाउंडेशन है, दिशा फाउंडेशन, उसमें हम लोग ने अबाउट 200 स्टूडेंट्स को अभी तक फ्री स्कॉलरशिप दिया, नीडी पीपल को स्कॉलरशिप दिया हुआ है। तो हम लोग उनको एक तरह से फ्री एजुकेशन देते हैं। और उसी तरह से एक, जैसे मैंने बताया, हमारे स्वामी जयेंद्रपुरी स्वामी जी हैं, उनका स्कूल चलते हैं वहाँ पे बेंगलोर में, फिर बहुत सारी जगह पे। तो हम उन बच्चों को, बिकॉज़ उनकी फ़ीस भी बहुत कम होती है, 5-10 हज़ार, लेकिन पर उनको एजुकेशन मिल जाता है उससे, तो उसको हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं जितना हमसे हो सकता है। और हम लोग मीन्स किसी से पैसा लेते नहीं, मीन्स अपने हमारे दोस्त, हमारे लोग, वो सभी छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन करके, कोई बड़ा डोनेशन नहीं ले रहे हैं हम लोग सब वही छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन करके हम लोग स्टूडेंट्स तक पहुंचाते हैं, नीडी पीपल तक पहुंचाते हैं। और हम लोग ने 200 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हम लोग ने अभी तक ग्रांट दिया होगा। देखिए, मेरा सबसे जो यूके में, क्योंकि मेरे बेटे दोनों पढ़ते थे तो मैं यूके ज़्यादा जाता था, तो और यूके का देखो, जैसे स्विट्ज़रलैंड भी है, सब अच्छा लगता है, सब जगह अच्छा है, लेकिन घर से अच्छी जगह कोई नहीं। पर लेकिन जहाँ तक कल्चर का सवाल है, कल्चर देखिए,
जहाँ पे भी फॉरेन कंट्रीज़ में अपने आप लोग काम करते हैं, उस वो कल्चर बहुत बड़ा कल्चर है, अपने आप सब कुछ काम करने का जो क्षमता है, और उनसे सीखनी चाहिए। लोग अपने आप काम करते हैं, लोग आप सिंप्लिसिटी में रहते हैं, और आप प्राइम मिनिस्टर को भी देखिए या किसी को भी देखिए, सब एक जैसे हैं। तो वो एक चीज़ जो है हमको सीखनी चाहिए, और वो सिंप्लिसिटी, क्लेनलीनेस, हम लोग पान जैसे थूक देते हैं या टॉयलेट यूज़ कर लेते हैं कहीं पे भी, तो वो सब चीज़ों को हमको बाहर वाले देशों से सीखना चाहिए कि जहाँ ये सब चीज़ों को क्लीन एनवायरनमेंट रखेंगे, एनवायरनमेंट पे फोकस करेंगे, ग्रीन रखेंगे, तो वो सब हमारे को ही फ़ायदा है। वाटर को कंजर्व करेंगे और ट्री को प्रोटेक्ट करेंगे, ये सब चीज़ें हमको बाहर वाले कंट्रीज़ में दिखती हैं और वो हमको करना चाहिए। मेरा फेवरेट लोकेशन तो एक है, वो है उत्तराखंड। मैं उत्तराखंड को मैं काफ़ी जगह गया हूँ और मुझे अच्छा लगता है। दूसरा है कश्मीर, हालांकि कश्मीर बहुत लोग जाते नहीं हैं मीन्स, बट मेरे को कश्मीर के लोकेशन अच्छे लगते हैं। और तीसरी जगह है तो थोड़ा बहुत गोवा है। तो ये तीन जगह हैं, तीनों एक्सट्रीम्स हैं, पर देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल आप उत्तराखंड चाहिए, ट्रैकिंग करिए, आप नेचर के साथ हैं। सिमिलरली कश्मीर भी इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, और वहाँ पे भी बहुत अच्छा लगता है। मेरे हॉबी में स्टैम्प कलेक्शन है। मैं बचपन से स्टैम्प कलेक्शन करता था, और मैं दूर दूर 2-3 किलोमीटर चल के स्टैम्प लेने जाता था, फर्स्ट डे कवर लेने जाता था। फर्स्ट डे कवर वो होता था जो पोस्ट ऑफिस में रिलीज़ होता था, फर्स्ट डे स्टैम्प। तो मैं फर्स्ट डे कवर लेने जाता था, 50 या 100 फर्स्ट डे कवर मिलते थे, तो उसमें से एक मेरे को मिल जाता था, मैं जाता था पोस्ट ऑफिस में जाके लेने जाता था। तो ये मेरी हॉबी है, फर्स्ट डे कवर और स्टैम्प्स, तरह तरह के स्टैम्प है मेरे पास। आई सरेंडर, ओनली वे, थिंक ऑफ अ सोल्यूशन इन सरेंडर। आप सोल्यूशन देखिए, सरेंडर करने से नहीं होगा, सोल्यूशन भी ढूंढना चाहिए। आपका प्लान ए होगा, प्लान बी होगा, प्लान सी होगा, उसके बाद डेस्टिनी, ठीक है। देर इज नो सेफ्टी नेट इन, सेफ्टी नेट नहीं, सर्कस में सेफ्टी नेट होता है, लेकिन जिंदगी में सेफ्टी नेट नहीं है। आपको अपना काम करना है, आप चैलेंजेस को लेना है, आपको अपने आप को प्रोत्साहन करना है, और देखिए मूड को अपने आप को ऊपर करना है। आपको ये सोचना है ये पार्ट ऑफ डेस्टिनी है, और उस डेस्टिनी को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना है। बिकॉज क्या है कि आप हमेशा रॉन्ग चीज़ के बारे में सोचते रहेंगे, नेगेटिव थॉट्स रखेंगे, तो कभी प्रॉस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो वो नेगेटिव थॉट्स को बरी करना है, और व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम देयर इज अ सॉल्यूशन। देखिए आज के यूथ को ये सोचना चाहिए कि अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास भरपूर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमारे वक्त चार्टर्ड अकाउंटेंट तो अलग बात है, इंजीनियर्स और केवल मेडिसिन रहता था, और एक आध बी फार्मेसी ऐसा कुछ होता था। आज तो देखिए आपको कितना फील्ड है, आप चाहे तो कार्टून का कर सकते हैं, आप टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, आईटी प्रोफेशनल बन सकते हैं, आप इंस्पायरिंग लीडर बन सकते हैं, आप पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, आप कुछ भी सब कुछ कर सकते हैं, आप पोएट बन सकते हैं। आज जो मीडिया है, क्योंकि यूट्यूब जैसे यूट्यूब है या ये है, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है, लोगों ने यूट्यूब में अपने आप को सक्सेसफुल बनवाया। तो चैलेंजेस आज यूथ को ये सोचना चाहिए उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ है, पर एक ही चीज़ है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, उनको वो हौसला रखना चाहिए और पेशेंस रखना चाहिए टू सक्सीड। वो थोड़ी सी कमी है, पेशेंस रखेंगे और हौसला रखेंगे तो हमेशा सक्सीड करेंगे। वो पेशेंस जल्दी लूज़ करते हैं, ये बहुत ही बड़ी एक इस सोसाइटी में मैं देख रहा हूँ, जो टॉलरेंस एंड पेशेंस है एक मीन्स काम करने के प्रति, वो बहुत ज़रूरी है कि मीन्स वी हैव टू बी टॉलरेंट। हमारे साथ समस्याएँ होंगी, हमको कोई ईजी पाथ नहीं है, लेकिन हमको इसको सॉल्व करना है। हम पेशेंट रहें, हम काम करते रहेंगे तो हम सक्सेसफुल, ये हमारा ध्येय होना चाहिए। यूथ को ये सोचना चाहिए, और पैसा विल फॉलो,
मनी विल फॉलो एंड अपनी हैसियत से रहना चाहिए, सबसे बड़ी बात। ऐसा नहीं कि लेटेस्ट मोबाइल चाहिए। हाँ, सब कुछ आशाएं बहुत होती हैं, वो होता है, लेकिन अपनी हैसियत से करेंगे, सेव करने की हैबिट्स बनाएं और आगे बढ़ें। देखिए, जैसे आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया और आप इतने सारे स्टोरीज कर रहे हैं, ये सब स्टोरीज किसी न किसी को इंस्पायर करेंगे और हम लोग को भी सीखने मिलेगा। देखिए, हमको भी अपनी जर्नी को याद करने का पूरा, हम इतना याद भी नहीं रखते। हमको स्टैम्प कलेक्शन के बारे में आपने याद दिला दिया, तो हमको हर चीज़ आप याद दिला रहे हैं, तो हमारी मेमोरीज़ को भी आप हमारे को जागृत कर रहे हैं। तो इंडियन स्टोरी से अपने इंस्पिरेशन को हम दूसरों से शेयर कर रहे हैं और अपने आप को भी इंस्पायर कर रहे हैं। और मेरे को ये अच्छी बात लगी कि आप बहुत सारे लोगों की लाइफ में जा रहे हैं, उनके उसको सोसाइटी में दे रहे हैं और वो लोगों को उसका बेनिफिट होगा, यंगस्टर्स को होगा, और एक दूसरे से हम सीखते हैं। सोसाइटी की पुरानी वो है तो हम सीखने को मौका मिलता है, ये मैं बोलूँगा। यस, वी आर ऑल यूनिक, वी कम एंड गो, बट दीज स्टोरीज आर लेगेसी फॉर एवर। डू शेयर योर स्टोरी विद इंडियन स्टोरी एनी टाइम एनी वेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।